वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हम पानी पूरी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने बाहर से पूरियां ली हैं और उसकी स्टफिंग और पानी हम घर पर बनाएंगे, वो भी बहुत इजी मेथड से। तो चलिए मेरे साथ एंड तक बने रहिए। चलिए हम उसका पानी तैयार कर लेते हैं। पानी के लिए मैंने एक बंच हरा धनिया लिया है, फ्रेश वाला हरा धनिया, वो हम एक जार में डाल लेंगे। और उसका आधा बिल्कुल थोड़ा सा हमने पुदीना लिया है, वो भी उसमें डाल लेंगे। और तीन हरी मिर्च डालूंगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालूंगी, मैंने आधा लेमन लिया है, उसका जूस अच्छे से डाल लूंगी इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर ग्राइंड कर लेंगे। इसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इमली को मैंने भिगोकर इतना सारा उसका गाढ़ा पल्प निकाल लिया है। अब मैं इसमें ठंडा पानी ऐड करूंगी, आधा लीटर जितना मैं इसमें पानी डालूंगी। हमने जो ग्राइंड किया था वो पेस्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें मैं ये रेडीमेड पानी पूरी का पाउडर डालूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमें कोई भी झंझट नहीं होती है, सारा काला नमक और जो जीरा धनिया पाउडर वो सारा डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये 2 टेबलस्पून डालूंगी, बस हमारा पानी पूरी का पानी अच्छे से रेडी हो जाएगा। देखिए मैं इसमें 2 चम्मच डाल दी हूँ और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए हमारा पानी पूरी का पानी बनकर रेडी हो चुका है। मैंने इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ वही पैकेट का मसाला मैंने डाला है। ये हम पानी पूरी की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये 3 आलू हैं, मैं उन्हें अच्छे से मैश कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा नमक डालकर मैंने बॉईल कर लिया है, इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। ये अच्छे से मैश हो चुके हैं। मैं 1 कटोरी बॉईल चना ली हूँ और वो भी इसमें डाल लूंगी। थोड़ा सा नमक डालकर इन्हें बॉईल कर लिया है। 1 ऑनियन और थोड़ा सा हरा धनिया, ये भी इसमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर इसमें डाल लूंगी। ये सारे मसाले इसमें डाल लूंगी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा नमक। नमक हमने उसमें डालकर बॉईल किया है तो थोड़ा सा नमक मैं डालूंगी। ये जो हमने ग्राइंड किया था पेस्ट और थोड़ा सा बचा लिया था वो भी इसमें डाल लूंगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिना झंझट के हमारी पानी पूरी बनकर रेडी हो जाएगी। ये घर पर बनाएंगे तो साफ सुथरी बहुत अच्छी बनेगी और बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट होगा। अच्छे से नीचे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। हमारी पानी पूरी बनकर रेडी हो चुकी है और बहुत मजेदार बनी है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल कम खर्च में बनी है और मिनटों में, कुछ ही देर में ये बनकर रेडी हो जाती है। तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये इजी रेसिपी आपको कैसी लगी।